मुंबई, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस और अमेजिंग जंगल सफारी और यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटी और मुंबई का टेस्टी फूड। इस वीडियो में मैं आपको मुंबई के सभी टूरिस्ट प्लेसेस कम से कम बजट में घुमाने वाला हूँ। मुंबई के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस और बॉलीवुड एक्टर्स के घर और मुंबई की सस्ती शॉपिंग, इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाले है। और ये मुंबई का टूर कम बजट में होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले हम आ चुके हैं ग्लोबल विपासना पेगोडा पे। इस पेगोडा के टॉप पे गौतम बुद्ध जी की अस्थियां रखी हुई और इस बड़े से हॉल में एक साथ 8000 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। और इस पेगोडा में कोई भी एंट्री फीस नहीं ली जाती। और इसी पेगोडा के बाजू में एसएल वर्ल्ड भी है, आप एसएल वर्ल्ड के वाटर किंगडम में जा सकते हो। और यहाँ पर 1115 रुपया एंट्री फीस लिया जाता है। और यहाँ पर एक बर्ड पार्क भी बना हुआ है। एसएल वर्ल्ड और पेगोडा जाने के लिए बोरीवली रेलवे स्टेशन तक आना होगा और बोरीवली स्टेशन से ऑटो या बस पकड़कर आपको गोराई जेट्टी तक जाना होगा। और गोराई जेट्टी से पेगोडा और एसएल वर्ल्ड के लिए आपको बोट मिल जाएगी, जो पर पर्सन 70 रुपीज चार्ज लेती है। और ये बोट आपको लेकर भी जाती है और वापस रिटर्न आपको लेकर भी आती है। अभी हम आ चुके मुंबई के सबसे फेमस मरीन ड्राइव पर। यहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ओपन सी का व्यू नजर आता है और इस जगह को क्वीन ऑफ नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आप इवनिंग के समय पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आ सकते हो। अभी हम आ चुके मुंबई के सबसे फेमस गिरगांव चौपाटी बीच पर, जो कि मरीन ड्राइव के बिल्कुल पास में लोकेटेड है। और ये बीच फेमस है अपने टेस्टी फूड के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फूड के स्टॉल लगे हुए और इस बीच पर सनसेट देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अभी हमें सीएसएमटी रेलवे स्टेशन के पास, जो कि रात को बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आता है, और इसी स्टेशन के पास में बहुत सारे फूड के स्टॉल लगे हुए। यहाँ पर अपना टेस्टी वड़ा पाव एंजॉय करने के बाद मैं निकल पड़ा बांद्रा की ओर। अभी हम आ चुके बांद्रा फोर्ट पे। यहाँ से आपको अमेजिंग वरली सीलिंग का व्यू नजर आता है और इसी फोर्ट के पास में एक गार्डन बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे कपल्स आते हैं। और इसी बांद्रा फोर्ट से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर बांद्रा का सबसे फेमस माउंट मेरी चर्च है। यहाँ पर मांगी हुई मन्नत पूरी होती है। इस चर्च के पास में बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स के घर है और यहाँ पर बॉलीवुड एक्टर्स भी आते हैं। अभी हम आ चुके बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बंगलों के पास में, जिसका नाम है मन्नत। यहाँ पर शाहरुख सर के फैन और बहुत सारे टूरिस्ट शाहरुख सर की एक झलक पाने के लिए उनका यहाँ पर वेट करते हैं और उनके बंगलों के सामने फोटोज और वीडियोस क्लिक करते हैं। अगर आप लकी हुए और शाहरुख सर अपने घर में हुए, तो शाहरुख सर अपने फैंस को मिलने के लिए आते हैं। और शाहरुख खान के घर से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का अपार्टमेंट है। यहाँ पर आपको जो गैलरी नजर आती है, यहाँ पर सलमान सर अपने फैन से मिलने के लिए आते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे सलमान सर के फैन उनके लिए उनके अपार्टमेंट के नीचे वेट करते हैं। अभी हम आ चुके मुंबई के सबसे फेमस और मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश लोगों ने बनाया था और इसी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताज होटल है, जहाँ पर आपको एक कप चाय 500 रुपए की मिलती है। और कहते हैं अगर आपने गेट ऑफ इंडिया नहीं देखा तो मुंबई दर्शन आपका अधूरा माना जाता है। और इसी गेट ऑफ इंडिया से आप बोट पकड़कर एलिफेंटा आइलैंड तक जा सकते हो, या फिर आप यहाँ से बोट लेकर सनसेट देखने के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको मुंबई में एडवेंचर एक्टिविटी करना है तो आप मुंबई के फेमस जुहू बीच पर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी प्रकार के वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं। और इसी जुहू बीच के पास में अक्षय कुमार जी का घर है, अमिताभ बच्चन का जलसा बंगलो है, यहाँ पर धर्मेंद्र जी का बंगलो है, अजय देवगन का बंगलो है। इस जुहू एरिया में आपको बॉलीवुड के मैक्सिमम एक्टर्स का आपको यहाँ पर घर नजर आएंगे। अभी हम आ चुके मुंबई जू में, जिसे रानी बाग के नाम से भी जाना जाता है। और ये जू भाईकाला रेलवे स्टेशन से 5 मिनट के वॉक डिस्टेंस पर है। और इस जू में टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, डियर, पेंगुइन और अलग अलग प्रजाति के बर्ड्स और भी बहुत सारे चीज़ें आपको इस जू में देखने को मिलेगी। और इस जू में छोटे से लेकर बड़े तक
हर कोई विजिट करने आता है। इस जू में 50 रुपीस पर पर्सन का चार्जेस लिया जाता है। अगर आप मुंबई में सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं मुंबई के फेमस फैशन स्ट्रीट मार्केट में, जो कि आजाद मैदान के बाजू में लोकेटेड है। और इस मार्केट में आपको कपड़े से लेकर ज्वेलरी तक सभी चीजें काफी सस्ते प्राइस में मिल जाएगी। और ये मार्केट CSMT रेलवे स्टेशन से 5 मिनट के वॉक डिस्टेंस पर है। अभी हम आ चुके हैं हाजी अली दरगाह पर, और हाजी अली दरगाह के चारों ओर अरेबियन समंदर है। और कहते हैं पानी कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, हाजी अली दरगाह पानी में कभी भी नहीं डूबता। और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट दरगाह में जाने के बाद समंदर का मजा लेते हैं। बारिश के मौसम में हाजी अली तक आने वाला रास्ता पूरा पानी में डूब जाता है, और दरगाह में जाने के बाद आप यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। और हाजी अली दरगाह से 1 किलोमीटर के दूरी पर महालक्ष्मी टेम्पल है। यह मंदिर 1831 में बनाया था, और महालक्ष्मी टेम्पल में बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। और मंदिर के बाहर आपको ये जो बड़ा डोसा मिलता है, ये आप जरूर ट्राई करना। और मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। महालक्ष्मी टेम्पल और हाजी अली दरगाह आने के लिए आपको महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन तक आना होगा, और वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी। मुंबई के टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए आप गवर्नमेंट की बसेस और लोकल ट्रेन का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप कम से कम बजट में मुंबई के सभी टूरिस्ट प्लेसेस घूम सके। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो आप मुंबई ओनली 500 रुपए में भी घूम सकते हैं। इसमें मैंने फूड का कॉस्ट ऐड नहीं किया है। और लोकल ट्रेन में आपको थोड़ा सा भीड़ भाड़ का सामना भी करने पड़ सकता है। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।